हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी कविता के स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे दशहरा पर 10 लाइन निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन है, दशहरा सबसे लोकप्रिय हिंदू त्यौहार है जो 10 दिनों तक मनाया जाता है। दूसरी लाइन है, दशहरा रामायण के भारतीय महाकाव्य में राक्षस रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। तीसरी लाइन, यह हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने वाले त्योहारों में से एक है। चौथी लाइन है, दशहरा को नवरात्रि उत्सव के रूप में भी माना जाता है। पांचवी लाइन है, दशहरा के मूल्यों का पालन न केवल हिंदुओं द्वारा किया जाता है बल्कि देश के अन्य धर्मों जैसे मुस्लिम, ईसाई और सिखों द्वारा भी किया जाता है।
छः लाइन है। संस्कृत में दशहरा शब्द का अर्थ है 10 बुराइयों से छुटकारा। सात लाइन है। रामलीला रामायण का एक कार्य है जो आमतौर पर विजयादशमी के दिन किया जाता है। आठ लाइन है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे राक्षसों के पुतले जलाए जाते हैं। नौ लाइन है। 10 सिर वाले रावण को जलाने के लिए आतिशबाजी होती है। दस लाइन। दशहरा भारतीय उपमहाद्वीप में लंका के राजा रावण की बर्बर भूमिका के अंत का प्रतीक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।